आपके कारोबार में भी हो रहा है नुकसान, चाहते हैं मुनाफा कमाना तो आज ही अपनाएं यह उपाय। हमारे हर तरह के कारोबार के पीछे एक ग्रह की मुख्य भूमिका होती है। अगर हमारे ग्रह मजबूत हैं तो हमें खूब सारा लाभ मिलता है, लेकिन अगर वही ग्रह कमजोर है तो आपको कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार बताया गया कि हमें कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले हमारे ग्रहों को मजबूत करना होगा। हमारे जीवन में नवग्रहों की स्थिति जो है वो बदलती रहती है। कभी नवग्रह किसी राशि में चले जाते हैं, ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है, ग्रह अपनी चाल का परिवर्तन करता है, वो विभिन्न भावों में गोचर में परिवर्तन उनका होता रहता है। तो जिस प्रकार से उनकी राशि परिवर्तन होती है, ग्रहों की चाल परिवर्तन होती है, उसी प्रकार का हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी होता रहता है। उदाहरण के लिए कभी ग्रह हमारे अनुकूल हैं तो हमारा व्यापार व्यवसाय जो है फलता फूलता है, पर्याप्त मात्रा में हमको लाभ समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब ग्रह हमारे प्रतिकूल स्थिति में जाकर के बैठ जाते हैं तो व्यापार में घाटा होता है, नुकसान होता है, तो चलते चलते व्यापार जो है वो बंद जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो व्यापार करियर नौकरी में इस प्रकार के उतार चढ़ाव ग्रहों की स्थिति बदलती स्थिति के कारण होता रहता है। आज हम आपको कुछ व्यापारों से संबंधित उपाय बतलाते हैं। जिन व्यापारों से संबंधित व्यापारी कार्य कर रहे हैं, यदि उनको अपने व्यापार में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव घाटा नुकसान यदि समझ आता है तो ये बताने हम जो छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं इन उपायों को करके वह उस नुकसान को हटा सकते हैं, लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई व्यापारी वस्त्र से संबंधित व्यापारी है, कपड़ा रेडीमेड वस्त्र इत्यादि से संबंधित जो व्यापारी बंधु हैं, यदि उनको अपने व्यापार में किसी प्रकार का घाटा या नुकसान हो रहा है, यह व्यापार शुक्र से संबंधित है तो उनको अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र के मंत्र का जाप करें, स्फटिक की माला या स्फटिक के रत्न को धारण करें, शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें, भगवती को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और दुर्गा जी की आराधना करें, इससे वस्त्र संबंधित व्यापार में उनको लाभ होगा। अनाज या किराने से संबंधित जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय में यदि घाटा या पर्याप्त लाभ नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, क्लीम कृष्ण क्लीम या ओम श्री क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पूजन के समय पीला चंदन लगा करके फिर अपनी दुकान में जो उनको जाना चाहिए। जो प्रॉपर्टी या भूमि से संबंधित प्लाट से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, यह व्यापार व्यवसाय शनि और मंगल से संबंध रखता है, इसलिए ऐसे व्यवसायियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार शनिवार को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए, गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाना चाहिए और अमावस्या के दिन जो है भगवान को हलवे का भोग लगा करके अपने कर्मचारियों को, जो मजदूर उनके प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, उन कर्मचारी उन मजदूरों को वो हलवे का भोग प्रसादी के रूप में देना चाहिए। जो सलाहकारिता का व्यवसाय कर रहे हैं, सलाह देने का जैसे बीमा की सलाह देते हैं, वकील सलाह देता है, शेयर मार्केट इत्यादि के जो व्यवसाय, ये सलाह के व्यापार, तो जो सलाहकारिता के व्यवसाय में लगे हुए हैं, यह जो व्यवसाय है ये बुध बृहस्पति शुक्र तीन ग्रहों से संबंधित व्यवसाय है। इसमें मुख्य रूप से बृहस्पति जो है मुख्य ग्रह है, तो सर्वप्रथम तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऐसे जातकों को करना चाहिए, गाय को गुड़ और चना खिलाना चाहिए, भगवान शंकर की पूजन करना चाहिए। जो वकील हैं, वकालत करते हैं, अधिवक्ता हैं, उनको सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और अपने ऑफिस का रंग जो है वह हल्के पीले रंग का रखना चाहिए, ऐसा करने से उनको उनके व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोहे का कोयले का मशीनरी का व्यवसाय करते हैं, यह व्यवसाय भी मुख्य रूप से शनि और मंगल से संबंधित व्यवसाय है, ऐसे व्यवसाय करने वाले जातकों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गाय को गुड़ और तिल युक्त भोजन कराना चाहिए और अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण के संयोग से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जो व्यवसाय जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी इत्यादि का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, इनको जो है बुधवार के दिन गाय को हरा चारा देना चाहिए,
विष्णु सहस्त्र नाम का, शिव सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से अपने हॉस्पिटल में या जो पैथोलॉजी वगैरह है इसमें जो है रुद्राभिषेक कराना चाहिए, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि करना चाहिए, इससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के व्यापार व्यवसाय भी होते हैं, सबकी जानकारी तो हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। तो आपकी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी किसी ब्राह्मण को दिखा करके और जिस प्रकार का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के अनुसार उस व्यापार व्यवसाय का विश्लेषण करके उन उपायों को उन ब्राह्मणों से जान करके आपको करना चाहिए। तो आपको जो व्यापार में घाटा हो रहा है नुकसान हो रहा है वह सब दूर होगा और निश्चित ही भगवान का भजन करने से उन ज्योतिषी उपायों को करने से मंत्र जाप करने से आपका जो घाटा है वह लाभ में परिवर्तित हो जाएगा।